train, railway station. No English. So nobody thank you. So no money. No money. हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग सब? और मैं पाई से चांग माई आ गया था, ठीक है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। यार वैसे तो लिखा था, गूगल पे सर्च कर रहा था कि लोकल बस चल रही है, लेकिन पता नहीं कि बंद है वो, क्या है, मेरे को मिली नहीं। तो टुक टुक 50 बात, नॉर्मल ड्राइवर 100 बात, जैसा कोई तुक नहीं बनता मेरे हिसाब से। आए अपन का जिसकी वजह से कोई अरे तुक नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि अभी आज सुबह जाना है, कुछ इतने घूमे फिरे हैं नहीं, तो लेट्स 2 किलोमीटर था, आधा घंटा, चलो पैदल ही चलते हैं। तो फिलहाल कुछ ऐसे यहाँ के नज़ारे हैं, वहाँ से मैं आया था। तो ये जो हमारे गूगल बाबा है ना, ये पता नहीं बीच बीच का रास्ता दिखा रहे हैं। क्यूट क्यूट से यहाँ पे मुझे घर दिखते हैं, देखो प्यारे प्यारे से घर होते हैं। तो अपना आराम से चांग माई की गलियों में से होते हुए हम जा रहे रेलवे स्टेशन। आधे घंटे में 12:30 तक पहुंच जाऊंगा मोस्ट प्रॉबली ऑफिस। सबसे पहले हम टिकट लेते हैं और हम सीधा पहुंचेंगे बैंकॉक। तो गाइस मैं थोड़ा ही आगे आया था, यहाँ पे अच्छी अच्छी फ्रेश सब्जियाँ मिल रही हैं। तो ये खीरा है, ककुम्बर है, खीरा है, ककुम्बर है। व्हाट इज दिस? दिस This, yeah, yes. What is this? What? Eggplant. Okay, eggplant. Oh, cool. And what is the, where is the railway station from here? Railway station. Okay. English now? No, I ate. Railway station. Train, railway station. No English. So no worries, thank you. तो इन बेंजी का तो नहीं पता यार रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गूगल मैप्स है। लेकिन मैं स्टिल पूछना चाह रहा था कि यार इन्हें दिखेगी नहीं, देखो कितनी बढ़िया फोर्ड की गाड़ी, वाह मस्त, एकदम कसूती टाइप। यहाँ पे ये कोई बाइक या मुझे लग रहा है उसका वो है, क्या बोलते हैं इसको, कार सर्विसिंग का सेंटर लग रहा है मेरे को। ये छोटा जी प्यारा सा घर है यार, यहाँ के निक्के निक्के जी घर बड़े कैंट लगते हुए हैं, छोटी सी गलियाँ। यार चांग माई प्यारा लग रहा है भाई, मतलब ये नॉर्थ आइलैंड से ना यार एक नंबर हो सक। अब साउथ जाएंगे तो वो भी देखते हैं, लेकिन ये मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं, चलते हैं सीधा स्टेशन। सामने आ गया बार्बर, वो बार्बर शॉप है गाइस सामने, ठीक है। मुझे लग रहा है सीधे जाना पड़ेगा, गूगल मैप देखता हूँ क्या दिखा रहा है। गाइस जिसका थाईलैंड में कोई नहीं होता ना, उसका 7-Eleven होता है, हमेशा याद रखना 7-Eleven मेरे पीछे है, ठीक है। कभी भी आप आते हो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आप यार नमकीन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, शेक, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और आप जिंदा थाईलैंड से वापस जा पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं अभी यही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन, मैं एग भी नहीं खाता घर पे, ठीक है, जिसकी वजह से। और सोचा ऐसे कंट्री में मैं घूम रहा हूँ जहाँ पे कच्चा चबा जाता है जानवरों को। छोटी सी दुकान है यहाँ पे, वो चाय के साथ नहीं बोलती हो, हम खाते हैं लंबे लंबे से, वो नाम नहीं याद आ रहा हो, आपने भी जरूर खाए होंगे। अगर याद आ रहा हो आपको पता हो तो उसका नाम उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। स्ट्रेट मेरे को अभी 1.25 किलोमीटर के करीब जाना है। यहाँ पे अब यार छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान है, मैं लॉन्ड्री यार नहीं करा पाया भाई में, क्योंकि वो आज देते आज मैं वापस आ रहा था, तो मैं इनका कराबी में ही करा लेंगे या फुकेट में, देखते हैं जहाँ भी टाइम मिलेगा। तो गाइस करीब 15-20 मिनट हो गया है इस हाइकिंग के लिए, किसी ने रोका तो नहीं है मुझे, लेकिन हाँ ये भाई साहब आ रहे हैं। नो मानी। ओ थैंक यू कापन साहब, गाइस इन भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दे दिया। खापन साहब, तो फाइनली इट इज माय फर्स्ट हिचहाइक फ्रॉम एसआरटी चंगा रेलवे स्टेशन, लुकिंग अमेजिंग। फाइनली
आगे से राइट दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। गाइस वो जा रहे हैं भैया, ठीक है, और स्पेशली वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए, जो कि यार बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार बंदा अपनी ड्यूटी के बीच में से मुझे छोड़ने आएगा। मैं चाय पीने के लिए खड़ा हुआ था ऑफकोर्स। तो अब फाइनली हम स्टेशन पर आ चुके हैं, ठीक है, तो मैं अंदर चलता हूँ, टिकट लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले ट्रेन कितने बजे की है। टिकट ऑफिस वहाँ पर है। टिकट तो गाइस उधर जाना है हमें टिकट लेने। तो गाइस में टिकट मिल चुकी है, 471 वाट की पड़ी है, सीटिंग क्लास है, ठीक है, विद फैन है, और 3:30 बजे की ट्रेन है। स्टेशन देखिए आप पहले चियांग माई, बहुत क्यूट है यार, बहुत ही प्यारा स्टेशन है, यहाँ आप बैठ सकते हैं, ठीक है। बीच में हाथी बना हुआ है क्योंकि एलिफेंट नेशनल पार्क के जो यहाँ पे टूअर्स होते हैं वो बहुत मेन है। इनके ये पुराने राजा की फ़ोटो लगी हुई है, ये चियांग माई यहाँ पे मेन एलिफेंट है, ठीक है, और ये स्टेशन है, उधर स्टेशन नंबर 2 है, इधर स्टेशन नंबर 3। प्यारा सा क्यूट सा स्टेशन है, बस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है स्टेशन। और चलिए चलते हैं, मेरी ट्रेन पता नहीं, देखता हूँ किस पे आई। तो गाइस फाइनली ट्रेन आ चुकी है, ठीक है, मैं 7-Eleven अभी गया था और अपना खाना ले आया था। ये मेरा आज का खाना है क्योंकि रात में तो कुछ और मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो चलिए बैग उठाते हैं और ट्रेन के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुलिस वाले भैया खड़े रहते हैं एंड यहाँ पे बेसिकली लिखा होता है कि इतने ये ट्रेन नंबर है, ठीक है, और 3:30 बजे जाएगी। और ये भाई साहब लोग अंदर बैठ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने पहले देखा था बोर्ड लगा देते हैं कि भाई इतने बजे ये ट्रेन यहाँ से जाएगी, तो जो यात्री हैं कृपया गण इस पर चढ़ जाएं। तो मुझे मेरी ट्रेन का डब्बा देखना है किस तरफ है, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ। अरे देखो ये कार नंबर लिखा दिखाता हूँ, ये देखो ये लिखा कार नंबर 9 लिखा है ना, मेरी कार नंबर 7 है और 29वीं सीट है। सभी आ गए कार नंबर 7 और पहले चढ़ जाते हैं। ये रही कार नंबर 7, वहाँ की सीट दूसरी है, मेरे वाली दूसरी है, सीट जो है वो 29 नंबर है, 29 गाइज 29। ये रही, तो गाइज ये रही मेरी सीट, यहाँ रख देता हूँ मैं अपना सामान। स्लीपर वाली दूसरी थी, ये सिटिंग वाली है, तो दोनों का अपना मजा है। तो गाइज इस ट्रेन का नज़ारा कुछ ऐसा मैं दिखा देता हूँ, ये सिटिंग सीट वाली है, ठीक है, और पीछे एक मातरमा यहाँ बैठी है और एक उधर है, बाकी पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। जो पिछली ट्रेन देखी थी आपने वो थी स्लीपर वाली, और स्लीपिंग ट्रेन्स में मैं गया था, ये है चेयर कार। बट अच्छी बात इसमें ये है यार, ये ना सीट ऐसे रिक्लाइन हो जाती है, आराम से जूते उतार के बैठ जाओ। ये मेरा खाना रखा हुआ है, बाहर का नज़ारा कुछ अच्छा है। मुझे लगता है यार ये शॉप जो है ना ये कभी खुलती नहीं है, क्योंकि मैं चाहे पहले चांग में आया था तब भी बंद थी, पर अब आया हूँ देखो अब भी बंद है। पता ही तो पता नहीं क्या सीन है यार। तो अब करीब आधे घंटे में पौने घंटे में ट्रेन चल पड़ेगी, तो यार मैं सो जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह मिलता हूँ आपसे बैंकॉक रेलवे स्टेशन पर। फाइनली मैं बैंकॉक पहुंच गया था, बट यार बस अड़ी हो गई थी यार,
ट्रेन ने जो है पौना घंटा लेट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे टैक्सी लेनी पड़ी, ठीक है, जो करीब पड़ी हुई है 3:30 की। और ये ना लेता था, मैं लेट जाता, क्योंकि जो लोकल बस है उसका भी आज अता पता नहीं क्या कह रहे थे, वो बिजी बहुत है, तो 1 से 1.5 घंटा का गाड़ी थी और पता नहीं आती भी कब। तो मैंने कहा ठीक है, जो लग रहा है टैक्सी लो फटाफट भागो ताकि फ्लाइट ना मिस हो। तो गाइस मैं फाइनली डॉन वांग एयरपोर्ट आ चुका हूँ, यहाँ से फुकेट की फ्लाइट पकड़ूंगा भागते भागते, जैसे तैसे करके मैं फ्लाइट पहुँचा हूँ। तो चलिए चलते हैं, डिपार्चर आ गया सामने, ठीक है, तो पहले फ्लाइट पकड़ते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है, फिर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली बोर्डिंग पास वगैरह हो गया, कस्टम्स और सिक्योरिटी चेक सब होने के बाद करीब आता से 1.5 घंटा मेरे को लगा। टाइम हुआ है अभी 7:45, ठीक है, और वो सामने खड़ा है हमारा जहाज थाई लाइन एयर का, जो कि थाईलैंड की लोकल एयर लाइन से, ठीक है, 9:45 बजे करीब की फ़्लाइट है। तो जैसे ही वेट कर रहे हैं, और देखो अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि इन्होंने एयरपोर्ट पे ना फ्री चार्जिंग पोर्ट्स दे रखे हैं। लैंड कर चुके हैं हम फुकेट में, ठीक है, और अब बाहर चलते हैं और बस लेते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं सीधा हॉस्टल। बाहर के नज़ारे यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, ये इधर कोई बैंक वगैरह कह रहा है, कोई प्राइवेट जेट प्लेन खड़ा होगा, ठीक है, और चलिए चलते हैं। तो गाइस आप फुकेट एयरपोर्ट से बाहर आएंगे ना, ठीक है, तो ये स्मार्ट बस होती है, पब्लिक स्मार्ट बस है फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो आपको फुकेट टाउन और पटांग लेके जाएगी, और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर मिलेंगे, लेकिन उनकी मत सुनना, क्योंकि सबसे चीप ये लेगा 100 baht पर पर्सन। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चीप यही है, देखो उन्होंने लिखा हुआ है नॉट दिस, बताऊँ खैर वैसे तो ये बस जाती हैं, लेकिन 100 baht में ये भाई साहब लेकर जा रहे हैं, इसमें बैठ जाते हैं। ने करीब 1.5 घंटा मेरे को लगा, ठीक है, तो ये बैग वाले जब भी आते इन्होंने मुझे इस एरिया में उतारा, ये यहाँ पटांग का जो है बस स्टॉप है, यहाँ से करीब पास ही दिखा रहा है। सबसे पहले चलते हैं हॉस्टल में। तो एयरपोर्ट से जब आते हैं तो आप करीब 50 मिनट तक कम से कम लग जाएंगे, उससे कम नहीं लगेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। इधर भी कोई नहीं है, इधर है, अब कर लेते हैं। You have to come there? You have to go there? Okay. यार वो रहा अपना हॉस्टल पास ही था, तो खैर शुक्र है कि जहाँ से भैया ने रुका वहाँ से पास ही था, वरना यार कभी कभार क्या होता है आगे पीछे रोक देते ना, बैंड बज जाती है। वो रहा अपना हॉस्टल, तो मेरा जो हॉस्टल है पटांग बीच है, जो मेन एरिया है यहाँ पे, तो उसके पास ही है। तो चलिए पहले हॉस्टल में चलते हैं एक बार अंदर। मेरा हॉस्टल अपना, आई थिंक सो ब्लॉग का ही एंड करते हैं। ये तो हमारी जर्नी थी चांग माई से पॉकेट। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको हॉस्टल दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को ये एंड करते हुए प्लीज लगे तो लाइक और शेयर करते जाएगा। इस आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर मच, सो मच फॉर वॉचिंग।